गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का चैप्टर 4 हमारा पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। हमारा पर्यावरण की पहली हेडिंग है पर्यावरण, तो हम पढ़ेंगे इसके पहले ठीक नाइट्रोजन चक्र। ठीक, तो नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, कार्बन चक्र पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग डालेंगे हम ठीक जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण, हेडिंग डालनी है ठीक है, जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। तो इसके अंदर देखें पढ़ेंगे कि इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन तो या ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। ठीक, उदाहरण हम इसमें देंगे तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न रूपों में एक चक्र बनाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे क्या एग्जाम्पल में ही है, तो क्या लिखेंगे, कार्बन चक्र में कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इससे एक चक्र का निर्माण होता है। फिर देखेंगे आप पढ़ेंगे हम पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। ठीक, परि प्लस आवरण, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि चारों ओर से घिरा होना। ठीक, तो देखेंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या है पर्यावरण की, वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं। ठीक है, वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, इसमें सभी जैविक तथा अजैविक घटक शामिल हैं, इसीलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल ठीक वायु आदि शामिल हैं। तो ये हो गया आपका पर्यावरण। ठीक, आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरणीय अपशिष्ट, तो देखेंगे इसके अंदर ठीक पर्यावरणीय अपशिष्ट जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाले पदार्थों में बहुत से अपशिष्ट रह जाते हैं। ठीक, जिनमें से बहुत से अपशिष्ट जैव प्रक्रमों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक, और बहुत से ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रमों के द्वारा नहीं होता है। ठीक, एवं ये पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक, तो देखें इसके दो प्रकार हैं, नंबर एक क्या है, जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय क्या है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं ठीक जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक, इसको इसका एग्जाम्पल देना है तो देखेंगे सभी कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनका जैव प्रक्रम द्वारा अपघटन होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब क्या कह रहा है कि सभी कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं ठीक है उनका जैव प्रक्रम द्वारा अपघटन होता है। ठीक, देखें क्या क्या हमें जीवों से प्राप्त होता है, देखें क्या है जो सजीवों से प्राप्त होता है, क्या गोबर है ठीक, सूती कपड़ा है ठीक, जूट है, कागज है, फल और सब्जियों के छिलके, ठीक इनका क्या होता है अपघटन होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है कि गोबर, सूती कपड़ा ठीक, जूट, कागज, फल और सब्जियों के छिलके ठीक, जंतु अपशिष्ट आदि। फिर देखें क्या है हेडिंग है अजैव निम्नीकरणीय। ठीक, तो अजैव निम्नीकरणीय क्या है, इसके अंदर देखेंगे वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता है ठीक अजैव निम्नीकरणीय कहलाता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे प्लास्टिक है, पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे, धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा कुछ रासायनिक, यहाँ पर रसायन दिए हुए हैं DDT, उर्वरक ठीक आदि जो अवक्रियाशील होते हैं और विघटित नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका अपघटन क्या होता है, इनका विघटन नहीं होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, प्लास्टिक है जैसे कि पॉलीथीन है, ठीक है, ये क्या है, संश्लेषित रेशे हैं, धातु है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इनका विघटन नहीं होता है। ठीक, इसी से क्या होता है, प्रदूषण ठीक बढ़ता है। देखिए इसके आगे क्या है, हम बताएंगे क्वेश्चन क्या पूछ यहाँ आएगा, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो हमें बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एंजाइमों की मदद से कुछ समय के अंतराल में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक, जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं, ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि ऐसे दो तरीके सुझाइए, ठीक, जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो हमें क्या यहाँ पर दो आप यहाँ पर उपाय बताने हैं, क्या कह रहे हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो हमें बताना है। तो नंबर एक में क्या लिखेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक, इनसे दुर्गंध और गंदगी फैलती है। ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इनके पदार्थों के अपघटन से वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक, फिर देखें इसके आगे ये अगला क्वेश्चन, ठीक, क्या कह रहा है, ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अभी हमने जैव निम्नीकरणीय के विषय में दो उपाय बताए, अब क्या करना है, ठीक, अब यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय के लिए बताना है। तो हम लिखेंगे नंबर एक, ठीक, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, वे उद्योगों में तरह तरह के रासायनिक पदार्थों से तैयार होते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है, जिसके कारण पर्यावरण दूषित होता है। ठीक, फिर देखिए नंबर दो क्या है कि वे खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं दे और मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं वे मनुष्यों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं और ये लंबे समय तक बने रहते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, विघटित यहाँ पर अपघटित नहीं होते हैं। ठीक, फिर देखें इसके आगे, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आप, ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कचरा निपटान की समस्या है और इसको इसमें कम से कम क्या योगदान कर सकते हैं। तो हम देखें, हम यहाँ पर दो तरीके बताने हैं। तो देखें, हम इसमें बताएंगे कि कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती है बल्कि इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। इसे निपटाने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है। ठीक, तो कह रहा है कि कचरा जो है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक, तो देखिए हम इसमें दो तरीके, अगर इसको क्या करना है, समाप्त करना है इस, और अगर नहीं समाप्त करेंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। ठीक, तो देखिए नंबर एक हम उपाय बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, प्लास्टिक होता है। ठीक, तो क्या कहता है इसमें कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक, और जो कार्बनिक यहाँ पर जो यहाँ पर रसायन थे उनका कम से कम प्रयोग किया जाए। ठीक, तो ये कह रहा है जब इसका कम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आपका उपाय हो गया नंबर एक। आप देखें दूसरा क्या है, ठीक, दूसरा क्या, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाए। ठीक, फिर देखें नंबर तीन क्या है, अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग कूड़े दान में डालना चाहिए। ठीक,
फिर देखिए इसके बाद नंबर चार में क्या बताएंगे कि कचरे की मात्रा भस्मक में जलाकर कम करना। ठीक, तो कचरे की जो मात्रा है वो जलाकर हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि खाद का उत्पादन जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन। ठीक, तो खाद का उत्पादन, ठीक, और जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, फिर देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम बताएंगे कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, नंबर एक क्या है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे प्लास्टिक, थैलियां, डिस्पोजेबल, ठीक, कप आदि से जल का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, इनसे क्या होता है, प्लास्टिक, थैलियाँ और डिस्पोजेबल से, कप से आदि से क्या होता है, जल का प्रवाह रुक जाता है। ठीक, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक, जहाँ ये चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक, तो क्या होता है, अगर तो वहाँ का जो जल होता है वहाँ क्या होता है, ये क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक, और क्या है, दूसरा क्या है, ठीक, मृदा प्रदूषण है। ठीक, तो मृदा प्रदूषण हो गया। फिर देखें तीसरा क्या है, प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगल लेने से शाकाहारी जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इनसे क्या होता है, इनसे मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक, और प्लास्टिक जो अगर मतलब जो जंतु होते हैं शाकाहारी, अगर वो खा लेते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखें चौथा नंबर क्या है, मानव शरीर में जैव आवर्धन। ठीक है, नंबर पाँच में क्या है, पारिस्थितिक संतुलन में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक, रुकावट होती है, संतुलन बिगड़ता है। ठीक, फिर देखें इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें बताना है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो और उसका निपटान ठीक प्रकार से कर दिया जाए तो हमारे पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखें इसके बाद क्या है, ठीक, समस्या, ठीक, अभी आप कुछ क्वेश्चन पढ़े आपने। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका, ठीक, लॉन्ग प्रश्न है, इससे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं शॉर्ट में। तो देखें क्या कह रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण क्या हैं। ठीक, तो यही ये समस्या पूछ रहा है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की क्या समस्या, इससे समस्या उत्पन्न होगी। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर तथा व्यापक समस्या है। इस समस्या को उत्पन्न करने तथा बढ़ावा देने वाले वैसे तो असंख्य कारण हैं, ठीक है, परंतु कुछ सामान्य कारण ऐसे हैं जो अधिक प्रबल तथा अति स्पष्ट हैं। ठीक, तो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। ठीक, नंबर एक आपका है जल मल का अनियमित निष्कासन। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख क्या है, जल मल का अनियमित निष्कासन। तो देखें आवासीय क्षेत्रों से जल मल का अनियमित निष्कासन पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। खुले शौचालयों से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध, ठीक, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान देती है। इसके अतिरिक्त वाहित मल जल के स्रोतों को प्रदूषित करता है। ठीक, घरों में इस्तेमाल होने वाला जल भी विभिन्न कारणों से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। ठीक, तथा नाले नालियों का जो जल होता है वो क्या होता है, अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद देखें क्या है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। तो देखें यहाँ पर क्या है, ये घरों में इस्तेमाल होने वाले असंख्य पदार्थों के अपशिष्ट भाग भी पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। फिनाइल, मच्छर मारने वाले घोल, ठीक, डिब्बाबंदी में इस्तेमाल डिब्बे, डिटर्जेंट, शैम्पू, साबुन आदि सभी के अवशेष जल, वायु तथा मिट्टी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम, ठीक, औद्योगिकीकरण। ठीक, तो इसमें भी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे देखें क्या, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार एक मुख्य कारण है। ठीक, औद्योगिक संस्थानों में जहाँ ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है, वहीं उनमें इस्तेमाल होने वाली रासायनिक सामग्री के अवशेष आदि वायु, जल
तथा मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते हैं। ठीक, तो जो आपके कारखाने हैं उनसे क्या होते हैं, उनसे जो वायु, ठीक है, जल और ठीक रासायनिक सामग्री के जो अवशेष बचते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, वो भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक, औद्योगिक संस्थानों में चलने वाली मशीनों, सायरनों तथा अन्य कारणों से ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, जो आप जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो देखें इसके बाद क्या है, अगली हेडिंग है दहन तथा धुआं। तो दहन तथा धुआं से क्या समस्या है पर्यावरण की, ये बतानी है। तो देखिए, आधुनिक उन्नत समाज में मानव ने दहन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत कर लिया है। घरेलू रसोई घर से लेकर असंख्य वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों में सर्वत्र दहन का ही बोलबाला है। ठीक, लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल तथा डीजल आदि के दहन से जहाँ अनेक विषैली गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल तथा डीजल आदि के दहन से, ठीक, क्या होता है, अनेक विषैली गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। ठीक, वही, ठीक, अप्राकृतिक स्रोतों से भी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये सब सामूहिक रूप से वायु के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक, तो इससे क्या होता है, जो गैसें निकलती हैं, विषैली गैसें, इनसे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक, फिर देखें इसके बाद क्या है, इसके बाद है कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग। ठीक, तो ये भी आपकी यहाँ पर पर्यावरण की प्रमुख समस्या है। ठीक, देखें क्या है, जैसे जैसे कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में विस्तार हुआ है, वैसे वैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग निरंतर बढ़ा है। ठीक, विभिन्न कीटनाशक अत्यधिक विषैले हैं। ठीक है, जो खेतों में कीटनाशक, ठीक, दवाइयाँ डाली जाती हैं, ठीक, वो भी क्या है, अत्यधिक विषैली होती हैं। तो क्या कह रहा है कि तथा इनका प्रभाव दूरगामी है, फसलों पर तथा घरों में होने वाले कीटनाशकों के छिड़काव से, ठीक, वायु, जल तथा मिट्टी का अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। ठीक, तो क्या होता है कि जब कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, उनके छिड़काव से क्या होता है, वायु, ठीक, जल तथा मिट्टी का अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। इस प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों तथा पशु पक्षियों पर निरंतर पड़ रहा है। फिर देखेंगे अगला क्या है, नदियों में कूड़ा करकट तथा मृत शरीर बहाना। ठीक, तो जैसे जैसे जनसंख्या तथा नगरीकरण वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कूड़े करकट की भी समस्या बढ़ रही है। ठीक, अज्ञानता तथा प्रचलन के अनुसार, ठीक, जो जिनको ज्ञान नहीं है अभी, ठीक, तो क्या कह रहा है कि अज्ञानता तथा प्रचलन के अनुसार कूड़े करकट तथा मनुष्यों, पशुओं के मृत शरीरों को नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, ये सब अज्ञानता की वजह से है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कूड़े करकट तथा मनुष्यों, पशुओं के मृत शरीरों को नदियों में बहा दिया जाता है। इस प्रकार का विसर्जन सुविधाजनक होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत खतरनाक भी होता है। इससे क्या होता है, जो नदियों का जल होता है वो क्या होता है, दूषित होता है, और उनको जंतु भी पीते हैं। तो इससे क्या होता है, ठीक है, इसे जो है ना पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, फिर देखेंगे इसके बाद वृक्षों की अत्यधिक कटाई। ठीक, तो ये भी समस्या है पर्यावरण की। क्या करें, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाला एक मुख्य उल्लेखनीय कारण वृक्षों की अत्यधिक कटाई भी है। ठीक, वृक्ष वे प्रकृति प्रदत्त कारक है जो वायु के प्राकृतिक स्वरूप को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें वृक्षों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या अधिक, अब क्या हो रहा है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो रही है। ठीक, वृक्षों की अत्यधिक कटाई होने से क्या होता है कि प्रदूषण बढ़ता जाता है। ठीक, वृक्ष जो होते हैं वो हमें क्या, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक, और वृक्षों के होने से क्या होता है, वर्षा भी होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि वृक्ष सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, वृक्ष क्या करते हैं हमारे लिए वृक्ष क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अपने लिए खतरनाक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है काटने से। तो देखिए इसके आगे, वृक्षों की अत्यधिक संख्या में कट जाने के परिणाम स्वरूप वायु का
प्राकृतिक स्वरूप विकृत होने लगता है और वायु प्रदूषण की स्थिति को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो अगर वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर ठीक ये सबसे प्रमुख यहाँ पर समस्या है। ठीक, वृक्षों की कटाई, हमें क्या करना है, हमें अत्यधिक वृक्षों को ठीक लगाना है। फिर देखिए अगला क्या है, ठीक अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक, रेडियोधर्मी पदार्थ भी प्रमुख समस्या है। ठीक, यहाँ पर क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों में रेडियोधर्मी पदार्थों का भी उल्लेखनीय योगदान है। विभिन्न आणविक परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों ने भी पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित किया है। ठीक, तो यहाँ पर प्रदूषण के इस कारक के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव सभी प्राणियों तथा पेड़ पौधों पर पड़ा है। ठीक, तो ये इसकी भी समस्या है। ठीक, रेडियोधर्मी प्रदूषण। फिर देखें इसके आगे हमारा ये जो चैप्टर है ठीक समाप्त होता है। ठीक, हमारा पर्यावरण, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर हो गया हमारा पर्यावरण। ठीक, यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।